start with the S block elements. अच्छा S block elements की जब हम बात करते हैं तो we are talking about the group 1 and the group 2. Group 1 के अंदर हमारे पास है lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. हम francium की बात नहीं करते, francium radioactive है और हम chemistry के अंदर जब inorganic chemistry की बात करते हैं we are not talking about speculation. ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता होगा. We don't talk about it. हम बात करते हैं ऐसा होता है, हमने ऑब्जर्व किया है. So we are only going to talk about those things जो हमने ऑब्जर्व की हैं. उन चीजों की बात नहीं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या होनी चाहिए थी. We don't talk about them. तो अब हम बात करते हैं, ये है. फिर हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. अगेन हम रेडियम की बात नहीं करते हैं क्योंकि रेडियम अगेन एक रेडियो एक्टिव और उसके अंदर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द एसटी. एसटी तो नहीं है, स्ट्रॉन्शियम एसआर है. ठीक है, अब बात आती है सबसे पहली बात जैसे कि हम हमेशा करते हैं प्रिपरेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स देयर प्रिपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो इस वजह से इनको किसी और एलिमेंट को यूज करके रिड्यूस करना मुश्किल है. जब हम इनके रिडक्शन की बात करते हैं, इनके प्रिपरेशन की बात करते हैं, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दीज सब्सटेंसेस वुड बी द इलेक्ट्रोलिसिस. और इलेक्ट्रोलिसिस में भी इनका एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा इनके मोल्टन सॉल्ट का. ओके, सो मोस्ट ऑफन these are prepared by the electrolysis of their molten salt, most often chlorides. ठीक है, तो ये तो हमारे पास इनका प्रिपरेशन की एक लाइन आ गई. अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की. जब हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो these फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स. ठीक है, ओके. अब वर्ड आता है कि ये अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं. अच्छा, अल्कली इज अ हिस्टोरिक वर्ड. हिस्टोरिक कैसे? जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, ऐश बनती है उसकी, और लकड़ी की जो राख होती है वो सफेद रंग की होती है, काले रंग की नहीं होती. देखी होगी तुमने कभी राख, सफेद रंग की होती है. ठीक है, उस सफेद रंग की राख में छोटे छोटे काले पार्टिकल्स होते हैं. Now these black particles are unburnt carbon. Okay. अब वो जो राख है, अगर तुम उसको मुट्ठी भर के राख लेकर उसको एक पानी के कंटेनर में डाल के अच्छी तरह उसको हिला दो, you would find पूरी की पूरी राख dissolve हो गई है. अब वो जो black particles हैं, वो कुछ रह गए हैं. Okay. ये जो राख पूरी तरह dissolve हो गई है, अगर उस पानी को तुम फिल्टर करके उसको टेस्ट करते हो तो दिस वॉटर इज गोइंग टू बी बेसिक. ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये नॉफ्थलीन कलरलेस नॉफ्थलीन को पिंक कर देगा. ओके, सो दिस एश कंटेन्स वाटर सॉल्युबल बेसिस. ठीक है, नाउ एश का अरेबिक वर्ड इज अल्क. ठीक है, अगर तुम थोड़ा बहुत सुनते हो, कोई मूवी वगैरह देखते हो, तो कहीं पर भी वो जो अघोरी साधु होते हैं तो वो शब्द बोलते हैं अलख निरंजन. अलक इज राक, निरंजन इज एंटायर बॉडी, यानी कि द गॉड हु हैज द एश ओवर द एंटायर बॉडी. अलख निरंजन एक्चुअली शिव को डिनोट करता है. शिव एक अघोरी है जो शमशान की राख अपने शरीर पर मलते हैं. तो अलक शब्द वहां से आता है, इट्स एक्चुअली एन अरेबिक वर्ड. ठीक है, तो नाउ दिस इज द एश विच इज अ वॉटर सॉल्यूबल बेस. सो ऑल दीज वॉटर सॉल्यूबल बेसिस सिंस दे वर डिराइव फ्रॉम एश दे वर कॉल्ड अल्कली. और जब उस एश को
एनालाइज किया गया तो दे एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम इज एक्सेस मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न्ड. तो वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं. तो दैट इज हाउ दीज मेटल्स वर टर्म्ड एज अल्कली फॉर्मिंग मेटल्स और अल्कली मेटल्स. अल्कली इज द एश विच इज वॉटर सॉल्युबल एंड बेसिक. तो उस एश से ही सारे नाम आते चले गए. अल्कली मेटल्स का भी नाम आ गया, वॉटर सॉल्युबल बेसिस को भी अल्कली बोल दिया गया. दैट इज हाउ वी गेट अल्कली मेटल्स. इट इज एक्चुअली द वॉटर सॉल्युबल बेसिक एश फॉर्मिंग मेटल्स. समझ आ गई बात? ठीक है. अब हालत ये हो गई है कि वॉट एवर आर द वॉटर सॉल्युबल बेसिस हम सबको अल्कली बोलते हैं, चाहे उसमें सोडियम पोटेशियम है या नहीं. फाइन. कैन यू नेम एन अल्कली दैट इज अ वॉटर सॉल्युबल बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल? An alkali, a water-soluble base which does not contain a metal, any metal for that matter. Bolo. A water-soluble base, that is an alkali, which does not contain any metal. आंसर बहुत ही इजी है. H2 इज नॉट अ बेस. आंसर बहुत ही इजी है और तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनिया. अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल एंड इट्स अ बेस एंड इट डज नॉट कंटेन मेटल. आई डिडंट से स्ट्रॉन्ग बेस. जी बिल्कुल. अल्कली की डेफिनेशन ये नहीं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कली. स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है अल्कली की डेफिनेशन. अल्कली की डेफिनेशन है वाटर सॉल्युबल. अमोनिया वाटर सॉल्युबल है, स्ट्रॉन्ग ना सही. ठीक है. अमोनिया डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं. अमीन्स है, दे आर बेसिस. दे मे बी वाटर सॉल्युबल, मे नॉट बी, बट दे आर बेसिस एंड दे डोंट कंटेन मेटल्स. तो कई बार ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर होते हैं, जब क्वेश्चन आता तब याद नहीं आते. ओके. सो दैट्स व्हाट वी हैव इज व्हाट वी कॉल एज अल्कली. अब बात आ जाती है इन एलिमेंट्स की. एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम द रेस्ट ऑफ द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. अब अल्कलाइन क्यों बोलते हैं वो तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, इनके अगर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वी गेट स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन एंड दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है. तो ये अल्कली को रिजेंबल जरूर करते हैं, पर ये अल्कली है नहीं. तो जो रिजेंबल करता है उसको अल्कलाइन बोल दिया जाता है, अल्कली जैसे. तो क्लियर है. मेटल्स वर्ड इज वेरी क्लियर, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स. ठीक है. अब सवाल आ जाता है व्हाई दे आर कॉल्ड अर्थ. अब जब भी मैं सवाल पूछता हूं तो लोगों को लगता है भाई ये भी कोई सवाल है. दे आर फॉर्मड इन अर्थ क्रस्ट. अल्कली की डेफिनेशन दे रहे हो तुम, अल्कलाइन की डेफिनेशन दे रहे हो. मैं अर्थ की वर्ड की डेफिनेशन पूछ रहा हूं कि इसमें अर्थ वर्ड क्यों है. वही अर्थ क्रस्ट में बनते हैं. तो फिर मेरा सीधा सीधा आंसर ये होता है कि बेटा अर्थ क्रस्ट में तो हर चीज मिलती है, तो हर चीज अर्थ हो गया. फिर बात आ जाती है नहीं दे आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ. वेरी अबंडेंट इन अर्थ तो बेटा सबसे ज्यादा अबंडेंट तो ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम है, थर्ड नहीं सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है. तो ये तो फर्स्ट थ्री में भी नहीं आते, तो मोस्ट अबंडेंट कैसे बोल रहे हो? क्लियर. फिर आता है देयर ओर्स आर फाउंड इन अर्थ. अबे हर किसी का ओर अर्थ में ही मिलता है. देयर ओर्स आर अबंडेंट इन अर्थ नहीं है. तो ये हमारी दिक्कत पता है क्या आ जाती है, हम जब भी कोई वर्ड अर्थ बोलता है तो हम उसको प्लैनेट अर्थ से लिंक कर देते हैं, जबकि अर्थ का प्लैनेट अर्थ से कोई लिंक ही नहीं है. अर्थ एक्चुअली मींस अ सॉलिड. जब हम बोलते हैं ना कि आर बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट, जिसमें हम बोलते हैं अर्थ वाटर एयर फायर एंड स्पेस, तो ध्यान रखो अर्थ का मतलब होता है एवरी सॉलिड, वाटर का मतलब होता है एवरी लिक्विड, एयर का मतलब होता है एवरी गैस,
फायर का मतलब होता है एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड स्पेस का मतलब होता है द रीजन वी ऑक्यूपाई। तो वेरी ऑब्वियसली हर चीज इन पांच चीजों की तो बनी हुई है, समझ आई बात? तो अब जब हम यहां पे अर्थ की बात करते हैं, देन इन दैट केस देयर वर सर्टेन सब्सटेंसेस जो साइंटिस्ट ने, जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने देखी। और वो क्या सब्सटेंसेस थे? द सब्सटेंसेस दैट दे ऑब्जर्व वर समथिंग कॉल्ड मैग्नीशिया, लाइम, स्ट्रॉन्शिया, बैराइटा, ठीक है। नाउ लाइम वॉज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्साइट, ठीक है। मैग्नीशिया वॉज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग डोलोमाइट। बेटा ये मिनरल्स हैं, ठीक है। एंड दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। इनफैक्ट कैल्साइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। और कैल्साइट को लाइम में कन्वर्ट करना कब लोगों ने सीखा और कब से यूज करना सीखा, इसकी कोई हिस्ट्री का रिकॉर्ड ही नहीं है, इतना पुराना है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड थे, इन सब्सटेंस की एक और खास बात है, इनको कितना ही हीट कर लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेल्ट ही नहीं होते। इनको डिकम्पोज करने की कोशिश की, डिकम्पोज नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली लोगों ने यह समझ लिया कि दीज सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज, दे आर एलिमेंट्स, एंड दैट टू एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी मोल्टन, दे आर परमानेंट अर्थ्स। सो दीज सब्सटेंसेस वर कॉल्ड अर्थ एलिमेंट्स। बहुत बाद में जब इतना हाई टेक्नोलॉजी बढ़ी, हाई टेम्परेचर करने की कैपेसिटी बढ़ी, तब दे वर एबल टू कन्वर्ट देम इंटू देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। और तब पता चला कि दीज ऑल आर ऑक्साइड्स। अब द ऑक्साइड विच फॉर्म्ड मैग्नीशिया, उसका जो मेटल था उसको नाम दे दिया गया मैग्नीशियम का। जो लाइम बना रहा था, इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्साइट, और कैल्साइट से नाम आ गया कैल्शियम। स्ट्रॉन्शिया से नाम आ गया स्ट्रॉन्शियम, और बैराइटा से नाम आ गया बेरियम। क्लियर? सो दिस इज वॉट वी फाइंड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, एंड दिस इज बेरियम ऑक्साइड। सो दीज मेटल्स बिकेम अर्थ फॉर्मिंग मेटल्स। जैसे अल्कली फॉर्मिंग मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोल दिया गया, वैसे अर्थ फॉर्मिंग मेटल्स को अर्थ मेटल्स बोल दिया गया, ठीक है। और अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, बाद में डिटरमाइन किया गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग लाइक 2850 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका भी 2700 डिग्री करीब है, इसका 2600 डिग्री, इसका शायद 2000 डिग्री है। यहां तक कि अगर बेरिलियम ऑक्साइड की भी बात करूं, तो बेरिलियम ऑक्साइड का भी मेल्टिंग पॉइंट 2500 डिग्री है। ये इतना हाई टेम्परेचर है कि नॉर्मली तो तुम इसको अचीव कर ही नहीं पाओगे, एक फर्नेस के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं जाता। तो ये मटेरियल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं फर्नेस की इनर लाइनिंग बनाने के लिए। द सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे रिमेन इनर्ट इवन एट हाई टेम्परेचर्स आर यूज्ड टू मेक द इनर लाइनिंग ऑफ द फर्नेसेस, एंड दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। दीज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ठीक है। हेलो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर, दे आर कॉल्ड डोलोमाइट। डोलोमाइट इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें दोनों है। ये मिनरल्स हैं, ठीक है।